जी हाँ, आज हम लेके आ चुके हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें हम कंपैरिजन कराने वाले हैं दो ऐसे रिमोट कंट्रोल कारों की, जिन्हें स्टंट कार भी कहते हैं। बाकी आज के इस वीडियो को अंत तक जल्द से देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन दोनों की फाइट भी कराने वाले हैं। अभी तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि हमें आगे भी आप सभी के लिए नई नई वीडियोज बनाने का उत्साह भी मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं अपनी इस वाली छोटी सी स्टंट कार को। तो ये रही हमारी छोटी सी स्टंट कार। बाकी इस वाली स्टंट कार को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रही हमारी बड़ी वाली स्टंट कार, और ये हमें मिल जाती है येलो कलर में। तो इसे हम रख लेते हैं यहाँ पर, बाकी इस वाली को रख लेते हैं यहाँ पर। बाकी इस बड़ी वाली स्टंट कार के साथ हमें एक छोटा सा चार्जर भी मिल जाता है, जो यहाँ पर है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल क्यूट गोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए कराते हैं दोनों का कंपैरिजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का साइज़, ये वाली है छोटी और ये है काफ़ी बड़ी। और बाकी स्पीड की अगर हम बात करें तो इस वाली का स्पीड इस वाली बड़ी स्टंट कार के मुकाबले ज़्यादा है, और इसे हम भीम वाली स्टंट कार भी कहते हैं। बाकी इस वाली स्टंट कार को हम सिमुलेशन स्टंट कार भी कहते हैं। बाकी अगर हम बात करें एक्सेसरीज की, तो हमें इन दोनों के साथ रिचार्जेबल बैटरीज मिल जाती हैं। बाकी इन दोनों के साथ हमें चार्जर भी मिल जाता है, और इन दोनों के साथ में हमें एक अच्छी क्वालिटी का रिमोट भी मिल जाता है। और अब बात करें अगर हम मेन पॉइंट की, तो इस वाली का प्राइस है 950 रुपीज़, और बाकी इस वाली का प्राइस है ओनली 500 रुपीज़। बाकी इसका रिमोट ये रहा और इस वाली का रिमोट ये रहा। आप सभी लोग देख सकते हैं रिमोटों की क्वालिटी भी कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है इन दोनों की कंपनीज़ ने। तो चलिए अब चलते हैं घर के बाहर, मेरा मतलब है कि आउटडोर, ताकि आप सभी को इन दोनों की फाइट कराकर दिखा सकें और आप सभी को और ज़्यादा मजा आ सके। तो चलिए चलते हैं। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say yeah. सबसे पहले इन दोनों को एक एक करके चला कर देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी छोटी वाली स्टंट कार से। बाकी हमने इसे ऑन कर लिया और ये रहा इसका रिमोट। चलिए बटन को टैप करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग कितने ज़्यादा पावरफुल तरीके से चल रही है ये वाली स्टंट कार। बाकी स्टंट भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से करती है ये वाली कार। तो काफ़ी छोटी है ये वाली स्टंट कार, बाकी पावर में कोई कमी नहीं है। हमने ऑन कर लिया इस बड़ी वाली स्टंट कार को, और चलिए इसे भी चला कर देखते हैं। पर हम सभी ने देखा कि हमारे दोनों स्टंट कारें चलने में बहुत ज़्यादा सही हैं। छोटी वाली अच्छे से चल रही है, बाकी बड़ी वाली भी बहुत ज़्यादा सही से चल रही है। तो चलिए एक बार इन दोनों की साथ में रेस करा लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी कार होती है विनर। तो चलिए 1, 2 और 3। तो यहाँ पर वीडियो में आप सभी लोग देख सकते हैं, जो हमारी छोटी वाली स्टंट कार है, ये हमारी बड़ी वाली स्टंट कार से आगे निकल चुकी है, और फाइनली छोटी वाली स्टंट कार विनर हो चुकी है। बाकी अंधेरे में आप सभी लोग देख सकते हैं इस वाली स्टंट कार की लाइटें कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बाकी ये वाली टिमटिमाती लाइटें इस वाली स्टंट कार की क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं। और एक बार एक छोटी सी फाइट करा लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी कार होती है विनर इस वाली फाइट में। तो भाई यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है इस वाली फाइट में। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हमारी बड़ी वाली स्टंट कार में हमें ये वाला USB केबल मिल जाता है, जो अधिकतर मोबाइलों में पाया जाता है। तो आप किसी भी मोबाइल के चार्जर से इस वाली स्टंट कार को चार्ज कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें छोटी वाली स्टंट कार की, तो उसके साथ हमें ये वाला केबल मिल जाता है, जो बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। तो अगर ये एक बार खो जाता है तो हमें इस वाली कार को चार्ज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये रही हमारी छोटी स्टंट कार, बाकी ये रही हमारी बड़ी स्टंट कार। सबसे पहले देखते हैं कि ये वाली बड़ी वाली स्टंट कार स्टब से बाहर आ पाती है या फिर नहीं। तो चलिए इस वाले बटन को टैप करते हैं। फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं ये बाहर नहीं आ पाती है। तो चलो एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये छोटी वाली स्टंट कार बाहर निकल पाएगी या फिर नहीं।
पहले इसे सीधी कर लेते हैं। तो सीधी हो गई है, तो यहाँ पर आप सभी लोग फाइनली देख सकते हैं कि ये भी बाहर नहीं निकल पाई है। तो यहाँ पर अब नंबर आ गया है टग ऑफ वॉर का, चलिए करा लेते हैं टग ऑफ वॉर और देखते हैं कि कौन सी कार होती है विनर। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं फाइनली हमारी बड़ी वाली स्टंट कार ही है यहाँ पर विनर। तो चलिए इन दोनों का वेट भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस छोटी वाली स्टंट कार का वेट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे रख दिया है, बाकी यहाँ पर इसका वेट भी आप सभी लोग देख सकते हैं 148 ग्राम है, तो इसे साइड रखते हैं। बाकी इस वाली बड़ी वाली स्टंट कार को भी चेक कर लेते हैं और यहाँ पर इसका वेट है 318 ग्राम। तो ये भी क्लियर हो गया कि इन दोनों का वजन कितना है। तो आज की इस वीडियो में हमने कराए 5-6 टेस्ट और इन 5-6 टेस्टों में सबसे ज़्यादा टेस्ट जीतने वाली कार यही है। तो आज के इस वीडियो की विनर होती है ये वाली बिग स्टंट कार। तो मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, 2022 के IPL में फाइनल में कौन सी टीम विनर हुई थी? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो यही तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।